छत्तीसगढ़ पावर कंपनी में लाइन परिचारक भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा अचानक स्थगित किए जाने से नाराज संविदा कर्मियों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदेश भर से लगभग 2500 संविदा कर्मी एक बार फिर से आक्रोशित होकर विद्युत सेवा भवन का घेराव करने का प्रयास किया। संविदा कर्मियों का कहना है कि कंपनी प्रबंधन शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन को अचानक से दो बार स्थगित कर चुका है। पहले जनवरी में कोरोना का हवाला देकर और अब फरवरी में बिना कोई वाजिब सिर्फ प्रशासनिक कारण बोल के दस्तावेज सत्यापन एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा स्थगित कर दिया गया है। वहीं कुछ संविदा कर्मचारियों का कहना है कि हमारे संविदा साथी जो कार्य करते हुए शहीद हो गए उन परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। आखिरकार विद्युत विभाग के जो पहले के नियम है उसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा? हमें बार बार गुमराह क्यों किया जा रहा है? आखिरकार जो रिक्त पद है विद्युत विभाग उस पर भर्ती क्यों नहीं कर रही है? आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है विद्युत विभाग के इन संविदा कर्मचारियों का। संविदा कर्मियों ने 8 फरवरी से कार्य का बहिष्कार कर घर से ही काम कर रहे हैं। संविदा कर्मियों में कंपनी प्रबंधन द्वारा 21 से 26 फरवरी 2022 तक आयोजित होने वाले दस्तावेज सत्यापन एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा स्थगित किए जाने से खासा नाराजगी है। विद्युत संविदा कर्मी भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने की लगातार मांग कर रहे हैं। कंपनी प्रबंधन ने संविदा कर्मियों के 6 दिवसीय अनिश्चितकालीन आंदोलन को 14 फरवरी 2022 को दस्तावेज सत्यापन एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित करने के नाम ही स्थगित कराया था, किंतु दो दिन बाद कंपनी प्रबंधन ने हमारे साथ विश्वासघात करते हुए परीक्षण कार्यक्रम स्थगित कर दिया। नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आप सभी का स्वागत है। जिस प्रकार इस पूरे भारतवर्ष में आधुनिकीकरण में शिक्षा की जरूरत है, वैसे ही शिक्षा ग्रहण करने के लिए इस पूरे आधुनिकीकरण में विद्युत की जरूरत है। और जो विद्युत हमें प्रदान करते हैं, जो साथी जो अपने पूरे दिन भर में जितना वो मेहनत करते हैं उनका वो ना तो परिश्रम मिल पा रहा है, ना तो उनको अब तक सरकारी पदों पर भर्तियाँ मिल पाई हैं। संविदा के साथ वो काम कर रहे थे, लेकिन अब उनसे ये कहा जा रहा है कि परीक्षाएं ले लीजिए आएगी और उसके बाद जो है आपकी भर्ती की जाएगी। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके परिवार जो विद्युत विभाग में थे, जो काम कर रहे थे संविदा के तहत, और उनकी मृत्यु हो गई, यानी वो शहीद हो गए, लेकिन उनके परिवार को अब तक किसी प्रकार का कोई जो है सुविधा सरकार द्वारा प्रदान नहीं की गई है। तो आज जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनका ये भी कहना है कि उनको जो अनुकंपा नियुक्ति की जाए। तो कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं और बातचीत करने का प्रयास करते हैं और समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम हरिचंद साहू, प्रदेश प्रवक्ता छत्तीसगढ़ विद्युत कर्मचारी संघ। हमारी अभी 3 मांगे हैं। मैं पहले अपने सारी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि आधी रोटी आधा पेट, पूरा जीवन चढ़ गया पेट। पहले तो हमने 4 साल संविदा जीवन में व्यतीत किए हैं, अब हमको कंपनी कैसे 4 साल से फिर से परीक्षा विधि में रख रहा है, जो इस विभाग में न्याय नहीं है। सेकंड मैं यही है, ना हम किसी से भीख मांगते हैं, ना हम किसी से, हम सिर्फ अपना अधिकार मांगने चाहते हैं। पिछले भी 2 वर्षों के बाद इस कंपनी में हमको रेगुलर किया गया है, लेकिन पहले बार है कि ये संविदा जीवन को दूसरे संविदा के भांति कंपेयर करके आगे एक्सटेंड करने जा रहा है। ये तो सरकार और प्रबंधन की चाल है या न्यायोचित नहीं है। और हमारी ये मांगे हैं कि हमारी अभी प्रमुख हमारी 2 मांगे हैं। पहली मांग ये है कि जो हमारा रिक्त पद निकला है अभी, तो उन रिक्त पदों पर सबसे पहले हमें समस्त विद्युत संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए, उसके पश्चात ही जो भर्ती प्रक्रिया है उसको ली जाए। और इसके अलावा ये हमारी जो मांग है कि जो हमारे भाई शहीद हो गए हैं उनके परिजनों को एक परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए और तत्काल उसको उचित मुआवजा जो अभी तक से नहीं मिल पाया है, उचित मुआवजा तुरंत कंपनी प्रबंधन के द्वारा दी जाए उनको। तो जैसा कि आपने देखा कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन लोगों से हमने बातचीत की और जानने का प्रयास किया कि आखिरकार उनकी मुख्य समस्या क्या है और किस चीज़ की मांग को लेकर वो यहाँ पर आए हुए हैं। अनुकंपा को लेकर के हमने बातचीत की कि किस प्रकार उनकी नियुक्ति, और इनका ये भी कहना है कि पहले से ऐसा होते आया है, इस कारण हम चाहते हैं कि जैसा पहले विद्युत विभाग में होता है वैसा हमारा भी हो जाए और सरकारी नियुक्तियाँ हमें प्राप्त हों। कैमरामैन प्रवीण के साथ अविनाश दुबे, रायपुर छत्तीसगढ़। ऐसे ही तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।